वैसे तो फिरोजाबाद का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन टूरिस्ट के लिहाज से भी फिरोजाबाद आगरा से कम नहीं है। आज हम आपको बताने वाले हैं फिरोजाबाद के चंद्रवाड़ शहर के बारे में। फिरोजाबाद का पुराना नाम चंद्रवाड़ ही था। आपको बता दें कि राजा चंद्रसेन का किला चंद्रवाड़ क्षेत्र में ही स्थित था। फिरोजाबाद के राजा चंद्रसेन जो काफी सल्तनत के मालिक थे और अपने आप में एक शख्सियत थे, उनका किला आज भी फिरोजाबाद के अंदर सुरक्षित है। फिरोजाबाद जैन मंदिर से करीब 12 किलोमीटर दूर चंद्रवाड़ फाटक से होते हुए चंद्रवाड़ क्षेत्र में पहुंचा जा सकता है। टूरिस्ट के लिहाज से यहां काफी कुछ देखने को मिलता है। राजा चंद्रवाड़ का किला जहां पर उसके अवशेष आज भी सुरक्षित हैं, वहीं राजा चंद्रसेन की धर्मपत्नी रानी का महल भी वहीं समीप ही बना हुआ है, जिसको देखने के लिए दूर दराज से लोग यहां पर आते हैं। राजा का किला देखने आए हम, ये किले का ऐसा ही रंग हुआ है। किन का किला है? राजा चंद्रसेन का। अंडर हिस्ट्री में पड़ा है ये सब, इसकी कोई जगह नहीं करते, इसलिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। और भी लोग आते हैं देखने? आते हैं और भी आते हैं। टूरिस्ट के लिहाज से अगर यदि जिला प्रशासन थोड़ी सी भी नरमियत दिखाते हुए इसको संरक्षित करे तो यह टूरिस्ट के लिहाज से काफी पॉइंट बन सकता है। ये राजा चंद्रसेन का किला है, ये पुराना है और खंडर हो गया है और काफी समय से। आप क्या चाहते हैं कि सरकार इसको संरक्षित करे? हाँ, सरकार मतलब इसको संरक्षित करे। आप यहाँ देखने आए थे? हाँ, देखने आए थे सर। आज हम आपको बताएंगे यहाँ मुगलों ने भी और जैनिज्म का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। चंद्रवाड़ को जैनिज्म के नाम से जाना जाता है क्योंकि राजा चंद्रसेन ने करीब 108 जैन मंदिरों का निर्माण कराया था, जो कि मुगल शासक मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करने के बाद उन जैन मंदिरों को ध्वस्त करा दिया था। उस समय राजा चंद्रसेन को बंदी बनाकर उनकी हत्या करवा दी थी। उसके बाद सारे जैन मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन फिरोजाबाद यहाँ इस चंद्रवाड़ फाटक तक पहुँचने के लिए हम आपको बता दें कि फिरोजाबाद तिराहे पर स्थित जैन मंदिर से ऑटो पकड़कर आप चंद्रवाड़ फाटक पहुँच सकते हैं। वहाँ के बाद चंद्रवाड़ तक भी जा सकते हैं। यदि आप अपने वाहन से यहाँ पहुँचना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रेलवे स्टेशन होते हुए चंद्रवाड़ फाटक पहुँचना होगा, जहाँ फाटक पार करने के बाद आप चंद्रवाड़ तक पहुँच सकते हैं।